हाँ मैंने भी कल देखा कि सचिन उसको किस कर रहा था, मतलब बिल्कुल शुरू हो गया था तो जो मीडिया वाले भैया स्टूडियो वाले वो बोल रहे थे, सचिन सचिन जी सचिन जी कैमरा ऑन है कैमरा ऑन है। भैया हमारे भारत में तो आ गई एक सन्नी लियोनी, हम तो उससे ही परेशान है। ये सन्नी लियोनी पाकिस्तान से आ गई है। अभी अश्लीलता, मतलब एक होता ना शर्म, एक होती है शर्म, एक होती है हया, एक होती है संस्कार, एक होता है बड़ों ने आपको कुछ सिखाया ना। इसके अंदर, इस महिला तीन पतियों वाली के अंदर ना तो शर्म ना हया ना संस्कार, 0/0/ सन्नाटा। वो कहते हैं ना भैया, जब जब कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो वो बताकर जी नहीं आता। तो रावण का भी जब बुरा वक्त आया था तो रावण को बताकर नहीं गया था। पत्रकार महोदय मैं आपको बता दूं के बुरा वक्त कभी संदेशा देकर नहीं आता, मैं आ रहा हूं आ जाता है। जैसे स्वरूप रेखा ने राखी बांधी रावण को, और रावण जी की पूरी सोने की लंका, रावण का कुल का नाश हो गया, आपने देखा। मैं कहती हूँ जी शुक्र करो कहीं योगी जी ने राखी नहीं बांध ली, कहीं भद्रा में इसने मोदी जी को राखी नहीं बांध दी। तो भगवान जो करता है अच्छा करता है, जिसका सर्वनाश करना हो भगवान को वो उसी को आगे लाता। जी जी भारत बिल्कुल माता की जय, पाकिस्तान जी मुर्दाबाद। हम जी कौन होते हैं, मैं आस्था माँ पाकिस्तान मुर्दा बोलू मुर्दाबाद बोलू तो एक बार चलता है, क्योंकि मैं जी भारत की नागरिक हूं। मैं किसी को भी जी मुर्दाबाद बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने भारत से प्यार करती हूँ, अपने देश से प्यार करती हूँ, बोल सकती हूँ। सीमा हैदर जिसने बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद, बहुत जी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है भैया। हम कहीं भी जाते हैं, मैं आज अमेरिका चली जाऊं, कनाडा चली जाऊं, लंदन चली जाऊं, मैं कहती हूं मैं भारत में कभी वापिस ना आऊं, पर मेरा भारत जिंदाबाद है, था और रहेगा। किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि मुझे भारत मुर्दाबाद कहला के दिखा दे। और सीमा, ये भगोड़ी घोड़ी क्या है, भगोड़ी घोड़ी, ये जो घोड़ी है ना बेलगाम घोड़ी, जिसपे कभी लगाम नहीं होती ना, जिस घोड़ी पर वो भगोड़ी हो जाती है, जिसका मालिक ना हो वो भगोड़ी हो जाती है, और उसको संभालने वाले एपी सिंह जैसे मेरे भाई होते हैं। तो ये भगोड़ी घोड़ी जो कह रही है मुर्दाबाद पाकिस्तान, इसको शर्म नहीं आई? इसका भाई पाकिस्तान का, इसके मायके पाकिस्तान के, इसके इसका पूरा ससुराल परिवार पाकिस्तान का, इसके बच्चों की पैदाइश पाकिस्तान की, इसको लज्जा आनी चाहिए, बेलज, निर्लज। मैं कहती हूं ऐसी ये जो बदतमीज महिला है, पहली बात तो भारतीयों को खुद चाहिए था, इसको चाटे मार मार के भगाते, इसकी ऐसी तैसी करते, फिर मैं मानती कि हाँ भाई। पर भैया आपको पता ही है, जयचंद भी तो इसी भारत में ही रहते हैं ना। और जो हमारी आज तक, मैं सीधी बात बोलती हूँ, आज तक हमारी किसी बहन के साथ बलात्कार हो गया, मेरी किसी बेटी के साथ बलात्कार हो गया, कोई मेरी हिंदू बिटिया के साथ कुछ भी हो गया, आज तक किसी मुसलमान ने सपोर्ट नहीं की। सल्यूट है, मैं कहती हूँ मुसलमानों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, मेरा सभी मुसलमान आवाम को मेरा नमस्कार, नमस्कार के भाई कम से कम अपने धर्म के प्रति कट्टर हो, इसलिए नमस्कार कि आप कट्टर हो। और जयचंद हमारे में, जहां आस्था माँ विरोध करने गई, वहां आस्था माँ पर ईंट पत्थर उठाए गए, वहां पर आस्था माँ से आधार कार्ड मांगा गया कि तुम पाकिस्तान से आई हो, तुम पाकिस्तान से आई हो सीमा हैदर को भगाने। और तुम, अरे ये जयचंद, ये सबसे पहले भैया पिछवाड़ा जयचंद का लाल करना चाहिए, जितने जयचंद है बीच में। सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेम और फ्रेम, नेम और फ्रेम। जो महिला यहां आकर बकवास पे बकवास, झूठ, हर बात का झूठ बोल रही है, हर बात पे झूठ बोल रही है, और उसको झूठ को सच परोसने वाले हमारे ही बीच में दोगले हैं, उनका क्या जी करे भैया। मैं नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही दुनिया देख रही है, मैं नहीं कह रही दुनिया देख रही है, जहां 24 घंटे वो दोगली औरत का, चार पांच पतियों वाली का हाथ 24 घंटे ऐसे ऐसे सचिन के साथ रहता था। आज आप बताओ पत्रकार महोदय, आज के बाद आप मेरी वाइफ के बाद देखना हाथ सचिन के हाथ में रहेगा। याद रखना, ये भी बता दूं, मेरी वाइफ के बाद सचिन की कुर्सी अब साथ में पड़ी होगी, समझे भैया। और आज
सचिन कुत्ते की तरह, एक एक होता है ना पालतू कुत्ता, उसको कहते टॉमी वहां बैठ जाओ, टॉमी ऐसे ऐसे करके पूंछ हिला के वहां बैठ जाता है। सचिन क्या है? पालतू कुत्ता आज की डेट में, क्योंकि सचिन मूक ना बोलना जाने, ना कुछ कहना जाने, ना बाइट दे। सचिन को एक ही बात आती है, आलू का पलौंठा, पानी का गिलास, छीमा तेली याद में, भूख लगे ना प्याज। साले आलू के परोठे के साथ तूने किसी का घर बर्बाद कर दिया है, चार चार बच्चों की माँ के साथ तूने इश्क लड़ाया, और तू आलू के परोठे और पानी के गिलास कर रहा है। सबसे पहले सचिन को जूते फेरने चाहिए थे, फिर सीमा को फेरने चाहिए थे, फिर इसके समर्थन में आए लोगों को फेरने चाहिए थे। ये होना चाहिए था भारत में, जो कि भारत के लोग हमारे वो कहते ना, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद कर दिया, भारत के गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने। कहते हैं मेरे भारत के टुकड़े हजार ना होते अगर मेरे भारत में जयचंद जैसे गद्दार ना होते। तो भैया गद्दार यही पनपते हैं, आप देख ही रहे हो सीमा के अगल बगल, गद्दार ही तो है और क्या, ये सनातन के गद्दार है। जो कट्टर सनातनी है ना, एक भी मेरे कट्टर सनातनी ने उसका पक्ष नहीं लिया, सब विरोध में कट्टर सनाती, सिर्फ जो जयचंद दोगले। भैया हल्की बातें करते हो, छोटी बातें करते हो, सोच आपकी यहीं तक खड़ी है बस, इतनी छोटी सोच के मालिक हो। चौथा भैया वह क्या बात कर दी, अरे चौथा नहीं पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां दसवां, क्या बात कर दी भैया आपको, सचिन पे ये टिकरी लग रही है। अरे ऐसी महिलाएं ऐसे मूर्ख लोगों को लेते हैं, ऐसी महिलाएं मूक मूक जो बांदर सा साला, चुप्पू सा झुंगुड़ सा, ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाएं ऐसे को ढूंढती हैं। मैं कहती हूं कि सीमा से अच्छी वो जो कोठे में बैठी धंधा कर रही है ना, और शरेआम कहती है कि भाई हम अपना पेट पालने के लिए धंधा कर रही हैं, मुझे वो ज्यादा अच्छी लगती है। कम से कम स्पष्ट रूप से काम तो करती हैं। इस तरह बंदे को फंसाया 3 साल उससे वीडियो कॉल पे, हैदर ने भेजी थी मेरे पास अपनी कॉल, जो ये धीरे धीरे बोल रही है आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम, नेटवर्क की, अपनी भाषा में जो ये बोलती थी। मैं पूछना जी चाहती हूँ आज वो महिला मुझे ये बताए जो कहती हैदर ने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया 3 साल, 3 साल 2021 से लेकर 21 22 23 23 तक ये उसे सचिन से बात करती रही, इसने अपने बच्चे कब संभाले? वो तो कमाने गया था, ये तो उसकी माँ थी ना बच्चों की, इसने तो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया था, इसने कब संभाला? ये कहती मैं सुबह सुबह हम लोग शुरू होते थे और रात तक, जब तक हमारी आंख नहीं लग जाती थी तब तक हम मोबाइल पे रहते थे, वीडियो कॉल पे रहते थे, तो कब बच्चों को खाना देती थी ये माँ? ये डायन, डायन एक डायन होती है ना जो अपने बच्चों को खाती है, ये अपने बच्चों को मोरा बनाया। ये कहती मेरे बच्चे संस्कारी निकलेंगे, मेरे बच्चे भारतीय निकलेंगे। भैया इसके बच्चे बड़े होने दो, मेरा नाम बदल देना, वो पाकिस्तान का खून है, वो इसके चपेड़े मारेंगे, चपेड़े इसकी बेटियां इसकी चोटी पकड़ के घसीट घसीट के मारेंगी कि तूने हमें अपने असली बाप से दूर किया, तूने हमें अपनी धरती से दूर किया, हमें पाकिस्तान से दूर किया। अपना मुल्क चाहे कैसा भी हो अपना होता है मेरे भाई, क्या समझे? भारत में हम अच्छे से रह रहे हैं, बुरे से रह रहे हैं, पर भारत मेरा देश है, मैं इससे प्यार करती हूँ। जो अपने मुल्क की नहीं हुई, जो अपने पति की, अपने बच्चों की, अपने, छोड़ो पति को मारो गोली, मैं कहती हूँ जो अपने भाई की नहीं हुई, उसने आज तक राखी वाले दिन एक बार भी बोला कि भाई मुझे तेरी याद आ रही है, चाहे इनमें राखी हो चाहे ना हो, पर एक जो अपना परिवार छोड़ के आई हो उसको अपने भाई की तो याद आती है, अपनी बहनों की तो याद आती है। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, बहुत बड़ा षड्यंत्र है भैया, यहाँ पे सिर्फ षड्यंत्र चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और लोगों को क्या मिल रही है? पब्लिसिटी, चेहरा, फेम, जबरदस्ती कूदना, चाहे उसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अरे हम तो कभी किसी किसी जगह आज तक कोई भी इंसान कह दे उंगली खड़ा करके कि आस्था माँ हमारे बिना बुलाए हमारे यहाँ पर आई, इसने टांग अड़ाई, मुझे क्या लेना देना भाई? मैं तो अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए काम करती हूँ, लड़ती और लड़ती रहूंगी।
अगर कोई मुसलमान का बच्चा गलत काम करेगा तो बोलूंगी, हिंदू का करेगा तो बोलूंगी, सिख का करेगा तो बोलूंगी, बोलूंगी। अपने धर्म के लिए कट्टर हूं तो कट्टर हूं। ये जो भगोड़ी वहां से तुम्हारी घोड़ी भाग कर आई है ना पाकिस्तान वालों की, तो इसको नकेल डालने वाला कोई नहीं मिला। इसको तो नकेल अभी घोड़ी को संभालने वाला हमारा एपी सिंह मिल गया, वो घोड़ी भी संभालेगा। और वो जो घोड़ी का बच्चा पीछे पीछे घूम रहा है, हाथ पकड़ना चाह रहा है, वो हाथ छुड़ा रही है और उसका ऐसे पकड़ रखा है, एपी सिंह का हाथ पकड़ रखा है, ये नहीं छूटे। हाँ, मैंने भी कल देखा कि सचिन उसको किस कर रहा था, मतलब बिल्कुल शुरू हो गया था तो जो मीडिया वाले भैया स्टूडियो वाले वो बोल रहे, सचिन सचिन जी सचिन जी, कैमरा ऑन है कैमरा ऑन है। भैया हमारे भारत में तो आ गई एक सन्नी लियोनी, हम तो उससे ही परेशान है। ये सन्नी लियोनी पाकिस्तान से आ गई है। अब ये अशीनता, मतलब एक होता ना शर्म, एक होती है शर्म, एक होती है हया, एक होती है संस्कार, एक होता है बड़ों ने आपको कुछ सिखाया ना। इसके अंदर इस महिला तीन पतियों वाली के अंदर ना तो शर्म, ना हया, ना संस्कार, जीरो बटा नील बटा सन्नाटा। जो महिला पर्दे पर इतनी बेजुबान, इतनी कुत्तों की तरह भौंकती हो, हर मीडिया वाले की बात का सामना करती हो, आपको क्या क्या लगता है कि ये बहुत शरीफ है? अरे ये बहुत खेली खिलाई खिलाड़ी है। मैं तो इसे जासूस मानता हूं, पाकिस्तानी जासूस। भैया मैंने पहले दिन कह दिया था ये किसी ना किसी टूल किट का हिस्सा है, ये अपने बच्चों को मोरा बनाकर लेकर आई है। और हमारे एपी सिंह भाई की तो बात ही मत करें, उनको जहां सस्ती लोकप्रियता मिलती है, जहां उनको लगता है कि अच्छा मीडिया यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है, अच्छा 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 एपी सिंह जी, तुरंत एपी सिंह जी से पूछे। जब मैं उसका विरोध करने गई थी बैनर लेकर, मैं बैनर लेकर गई थी तब तक एपी सिंह कहते, उसके कितने बाद दिन इनों की एंट्री ट्रैंग, इनको पता लगा कि ये तो बहुत हाईलाइट जी न्यूज, आज तक रिपब्लिक हेडलाइन, फलाना फलाना फलाना, इन्होंने ऐसे करके एंट्री मारी और हार मंगवाए, अपने गले में डलवाए हार है। और वो मेरा तो दिल करता पहले जो उनके गली मोहल्ले वाले ना, पर उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि उनको सनातन के बारे में पता ही नहीं, वो तो गली में कोई कुत्ती बिल्ली कुत्ता भी आ जाए तो वो अपना लेंगे, क्योंकि वो लोगों की मानसिकता है कि भाई आ गई है हमारी इज्जत बन गई है। और लोग वहां के क्या कह रहे हैं कि हमारी दीदी सीमा दीदी, सालो तुम्हारी दीदी ना, अपने भनोई हैदर से भी पूछ लो, भनोई को भी पूछ लो, दीदी को तो तुमने पूछ लिया, अब अपने भनोई हैदर को पूछ लो, हमारी भौजी भौजी है सीमा भौजी, अरे तुम्हारी भौजी है ना, तुम्हारा भाई हैदर सऊदी में बैठा है, उससे भी हाल चाल पूछो कि भाई क्या हुई तेरे साथ, क्या बीती, क्या हुआ। अरे भाई मैं कहती हूँ 100 झूठ बोले हैदर, 100 झूठ बोले, पर कहीं ना कहीं तो वो सच बोलेगा। 30 से 35 लाख लेकर ये भागी। और एपी सिंह जी 3 साल पहले तलाक हो गया। मैं एपी सिंह से पूछना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि पबजी सचिन नहीं खेलता था, पबजी तो आप खेलते थे, प्यार की पींगे तो आपने डाल रखी थी, झूले आपने डाल रखे थे, आपके सामने तलाक हुआ था, आपने करवाया था तलाक। अगर एपी सिंह जी इतना दम रखते हैं तो सीमा को लेकर पाकिस्तान जाएं और कागजों में तलाक करा के, फिर मैं मानू कि हाँ भाई राखी भी बांधी, प्रेम भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, मोहब्बत भी बहुत है, जाए ना पाकिस्तान। मैं सीमा को छोड़ने जा रहा हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मेरा पासपोर्ट अलमारी में पड़ा तैयार है, मैं छोड़ने जा सकती हूं, मुझे पता है मैं हवाले करके आ सकती हूं हैदर। दम तो होना चाहिए बंदे के अंदर कि सिर्फ प्रेम देखना और आंख ना मिलाना। अभी मैं देख रही थी एक मीडिया वाला कहता कि आप छत पे, हाँ हम शाम को टहलने चले जाए, सबसे पहले तो मीडिया वाले बेवकूफ हो गए, मीडिया वालों का दिमाग खराब हो गया, सीमा जी क्या बनाना आता, क्या बना लो। अरे राजस्थान में एक महिला को अश्लील वो करके निवस्त्र करके घुमाया गया, अरे इतनी इतनी घटनाएं होगी, अभी अयोध्या में मैं आपको दिखाऊं, वो नहीं दिखा रहे मीडिया वाले, वो नहीं दिखा रहे मीडिया वाले, सिर्फ दिखाएंगे सीमा हैदर कैसे खाती, सीमा हैदर कैसे बनाती, सीमा हैदर, बस मीडिया वालों का बस नहीं चल रहा कि उनके बेडरूम तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर वो भी बस चले तो भैया पहुंच जाए, मैं दिखा नहीं सकती इतनी भयानक भयानक आपको उस बच्ची की तस्वीरें
ये देखो, ये किसी मीडिया वालों को कोई मतलब नहीं, पुलिस कर्मचारी थी, मार के उसको सीट के नीचे फेंक दिया, किसी को मतलब नहीं ना। मतलब तो सीमा हैदर से है, टीआरपी सीमा हैदर से है, पैसा स्टूडियो को सीमा हैदर से आ रहा है, और बोला जाता कि सीमा मीना सचिन बोलो। अरे किसी का बाप में दम है, मुझसे बुलवा कर दिखाओ, मुझसे बुलवा कर दिखाओ सीमा हैदर है थी और रहेगी। ये झूठी महिला, ये खूंटे से जो बंधी हुई थी पाकिस्तान के, ये भगोड़ी वहां से भागकर घोड़ी आ गई है, तो हम इसको मतलब स्वीकार कर लें, ये हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दे। ये क्या सनातन की बच्ची हो, ये जो जो कह रहे हैं कि ये तो देवी है, इसका शरीर गठीला है, इसका बदन गठीला है, इसका सीना फाड़ो, हनुमान जी निकलेंगे इसका सीना फाड़ो, श्री राम जी निकलेंगे इसका सीना फाड़ो, धरती माता निकलेगी, योगी जी निकले, खबरदार